हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं 1S BMS मॉड्यूल के बारे में। टाइनी सा मॉड्यूल है बट इट्स वेरी वेरी यूजफुल मॉड्यूल, जो कि किसी भी बैटरी को 18650 या फिर जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं पुल्ड आउट बैटरी या लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए काम आता है। 1S का मतलब यह है कि ये सिंगल बैटरी या सिंगल सेल को ही चार्ज कर सकता है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको मैं इस तरह से सोल्डरिंग कर रहा हूँ। इसके टोटल चार टर्मिनल्स होते हैं, पी प्लस, पी नेगेटिव यानी कि पावर प्लस और पावर नेगेटिव, जहां पर मैंने ये दोनों वायर्स को सोल्डर किया। यहां से आप चार्जिंग भी करते हैं और इसकी डिस्चार्जिंग भी, यानी कि लोड भी यहां पर कनेक्ट करते हैं। जो दूसरे इसके टर्मिनल्स होते हैं वहां पर लिखा होता है बी प्लस और बी नेगेटिव, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट और बैटरी का नेगेटिव पॉइंट आपने वहाँ पर कनेक्ट करना होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं, करूँ, बहुत ईजीली आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। कोई भी लिटिल नॉलेज के साथ भी हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो भी इसके कनेक्शंस इजीली कर सकता है और इस यूज़फुल मॉड्यूल को यूज़ कर सकता है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसके कनेक्शंस कर देने होते हैं। पोलैरिटी का आपने ध्यान रखना है, जो पॉजिटिव पॉइंट है वो पॉजिटिव के साथ, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ ही आपने अटैच करना होता है। अब हम इसकी जो वोल्टेज है वो हम चेक कर लेते हैं अपने मल्टीमीटर से कि हमें वोल्टेज आउटपुट के ऊपर कितनी मिल रही है इस वक्त। तो यहाँ पर जो सेल की वोल्टेज है वही हमें आउटपुट पर मिलनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं अराउंड 4 वोल्ट्स हमें जो है वो यहाँ पर मिल रहा है, 4.04 वोल्ट्स हमें यहाँ पर आउटपुट के ऊपर मिल रहा है। अब हम बैटरी की वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें अराउंड 4 वोल्ट से मिल रहा है। तो जो हमें बैटरी की वोल्टेज होती है वही आउटपुट पर मिलनी चाहिए और वो यहाँ पर हमें मिल रही है। ओके, अब हम इसकी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन करते हैं। ये वाला मॉड्यूल हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। आप ये देख सकते हैं, मैं वायर्स को शॉर्ट करूँ, कोई भी हमें स्पार्क यहाँ पर नहीं मिल रहा, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारी जो बैटरी है वो इससे प्रोटेक्टेड रहती है। बैटरी की वोल्टेज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हमें जो बैटरी की वोल्ट्स है 4 वोल्ट्स वही हमें मिलेंगे। आउटपुट मैंने भले ही यहाँ पर शॉर्ट की हुई है, तो ये बहुत अच्छा फीचर हमें इस मॉड्यूल में मिलता है। अब मैं आपको लोड टेस्टिंग भी करके दिखा देता हूँ। ये 12 वोल्ट की मोटर है मेरे पास और यहाँ पर इसको मैं आपको चला के दिखाऊँगा। बहुत ही एफिशेंटली ये 4 वोल्ट्स आउटपुट के साथ इसको चला देगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो मोटर है वो बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रही है और चल रही है इसके साथ। ऑल राइट, अब मैं आपको इसकी चार्जिंग भी चेक करवा देता हूँ। इस वक्त आप ये देख सकते हैं मैंने 4 वोल्ट्स के ऊपर अपनी जो सप्लाई है उसको सेट किया हुआ है और ये एक सेफ वोल्टेज लेवल होता है किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए। अकॉर्डिंग टू आर नीड अब हम इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। जिस वक्त आप देख सकते हैं कि 4 वोल्ट्स के ऊपर हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि इसको 4 वोल्ट से ऊपर की रिक्वायरमेंट है। तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे वोल्टेज को, तो हमारी जो बैटरी है वो एम्पेयर्स लेना शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं एम्पेयर्स लेना शुरू कर दिए बैटरी ने, इस वक्त अराउंड 0.79, अब 1 एम्पेयर के अराउंड हमारी जो बैटरी है वो ले रही है लोड के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज हो रही है और 4.6 वोल्ट्स और 1 एम्पेयर समथिंग के ऊपर, ये इस वक्त 1.6 एम्पेयर के ऊपर ये चार्ज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मॉड्यूल जो है वो 1 एम्पेयर से ऊपर ईजीली जो बैटरी है उसको चार्ज कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो एफिशिएंटली इस वक्त चार्ज हो रही है। एक और बात इसकी बहुत अच्छी मॉड्यूल की वो ये है कि अगर हमारी जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, वो अगर बढ़ जाती है, एक इसका सर्टेन पॉइंट है 5 वोल्ट्स और 6 वोल्ट्स के अराउंड, अगर वो बढ़ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी जो बैटरी है उसकी चार्जिंग को स्टॉप कर देता है और जितनी हमारी बैटरी को वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है चार्ज होने की, वो उस पर उसी को ही चार्ज करता है। सो गाइस, यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।